Hey, Superbot, how are you? Tanya Vud for watching. I am so thankful that you were here. I got a video here, and these folks, Divine Tales, they're way bigger than I am on YouTube, and they got a really cool channel. I subscribe to them, and let me tell you, what do we have here on this? How many subscribers? Oh, it's not showing their subscriber number. I've seen it before when they were much bigger than me. And they deal in divine tales of the Mahabharata and Ramayana, and and this was one about the death of Ram that I know nothing about. So I was like, what, the death of Ram? What's going on? Death of Ram. So let's go ahead. I have subtitles on now. So the subtitles may not show when I upload the video, but I'm watching with subtitles, and I got notes from Nikhil, the food blogger, who is the Warrior Queen's favorite food blogger. And let's go ahead and take a look at this. Very cool intro. प्रभु राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया है। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने Lakshman was with ऐसे him. कई महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया से लोप हो गए? वह क्या कारण था जो उन्हें अपने परिवार को छोड़ विष्णु लोक वापिस जाना पड़ा? पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वे स्वयं मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे ना हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करे या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए। फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे स्वयं अंदर जाकर श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना होगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वह आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जो कभी अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वह सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। प्रिय श्रोताओं, जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु राम को उचित न लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने
अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, भगवान राम की मुक्ति पर बनाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और धार्मिक वीडियोस के लिए very cool channel. I've subscribed to them, and that was a really cool video. I thought it was a very cool video because now I kind of understand why he's on the bed of cobras. Makes sense. And Divine Tales, please don't copyright strike if you do not want me doing any more of your videos. Just let me know and I won't. Ill intent. Just very fascinating stuff. I am on a journey to learn more. And man, oh man, you can see too from Ramayana, the past episodes that I've covered. Lakshmin and Ram, man, they are tight. They are tight. They are inseparable. I mean, that had to be really hard for him. Very, very hard. Ooh, that was a great video. I'll catch you guys later. Peace and much love.